हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ राजरानी। राजरानी किचन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ कदीमा की पराठा और कदीमा की पूड़ी। ये दोनों ही मेरी आइडिया से निकली हुई है, तो मैं कैसे इसको बनाऊँगी चलिए देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे 200-400 ग्राम लिया है पम्पकिन, इसको मैंने अच्छे से छील लिया है। इसका अंदर का जो बीज है इसको मैं फेंक दूंगी। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, इसमें एक टमाटर ली है छोटी साइज़ की, सबको मैंने काट लिया है अच्छे से। और यहाँ पे हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, मंगरेला, अजवाइन और थोड़ी सी हींग। और यहाँ पे मैंने लिया है गार्लिक चिली, ग्रीन चिली और धनिया पत्ता। यहाँ पे मैंने एवरेस्ट का हींग लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करना है देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले ये कदीमा को मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। अच्छे से ग्रेट कर लेना है इसको। ये अंदर के बीज जो है सब फेंक दूंगी मैं, फेंक के बनाऊंगी। ये ग्रेट होगी भी नहीं, क्योंकि इसको रखने से पराठा बनाने के टाइम बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं उसे फेंक दूंगी। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में सरसों तेल लूंगी और उसमें गार्लिक और हींग, मंगरेला, ये सब दे के फ्राई कर लूँगी अच्छे से। इसमें मैंने प्याज भी डाल लिया है, प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसमें मैं जो मेरे कदीमा है उसको मैं डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसमें मिर्च, हरी मिर्ची, हल्दी पाउडर, नमक, चिली पाउडर और टमाटर सब दे के अच्छे से इसको फ्राई करना है। मैंने 5 मिनट के लिए इसको ढक दिया था ढक्कन से। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फ्राइड क्यूमिन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर यूज़ किया है, क्योंकि मेरी पूड जो है बन के लगभग रेडी है और थोड़ी सी सुखाना है। अभी मैं इसमें जो मेरा धनिया पत्ता है वो डाल दूँगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो इसे हम निकाल लेते हैं, ये बन गई है। अब हम जो पराठा और पूरी की फिलिंग है वो बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा और मैदा दोनों का यूज़ किया है, थोड़ी सी तेल लेके इसको अच्छे से मिला लिया है। दही से मैं कर रही हूँ, दही भी एक बाउल ले लिया है और इसमें नमक, बेकिंग पाउडर और चीनी भी यूज़ किया है। सब मिलकर अच्छे से एक डो बना लेंगे। अभी मैं सबसे पहले पराठा बनाऊंगी। मैंने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए मैं अभी पराठा बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ का आटा लिया है और इसका मैं अच्छे से एक बाउल बना लूँगी पराठा के लिए। आप हाथ से भी बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे हल्का बेल लेती हूँ। ऐसे हाथ से बना के कटोरी बना सकते हैं। फिर मेरा जो फिलिंग बना हुआ है कदीमा का उसको डाल दीजिए और इसको फिर बंद कर दीजिए। जैसे पराठा आप लोग बनाते हैं, सब बनाते हैं उसी तरह बना लीजिए। फिर अच्छे से हाथ, हल्के हाथ से इसको अच्छे से दबा दीजिए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, नहीं तो ये निकल जाएगी पूरी।
ये पराठा जो है थोड़ी मोटी बनेगी, ज़्यादा पतला करने जाएंगे तो ये फट जाएगी, फिर भी मेरी फटेगी क्योंकि इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा है ना। देखिए थोड़ी फिर भी बहुत कम फटी है। ठीक है, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। साइड साइड से थोड़ी निकल ही जाती है। मैंने फ्राई करने के लिए 1 चम्मच घी का यूज़ किया है, आप ऐसे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी का टेस्ट थोड़ा अलग ही आती है। देखिए अच्छे से फूल गई है। आप नॉर्मल जैसे पराठा बनाते हैं उस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये जो पूरी भी बनाऊंगी इसलिए एक ही आटा में आपको दिखा रही हूँ, बहुत टेस्टी भी बनती है। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया से बनी है, कलर भी बहुत सुंदर आई है। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। बन गई है, अब इसको को गरम गरम सर्व करें। मैं आलू की सब्ज़ी के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। अभी मैं पूरी भी बना के देखी हूँ दिखाती हूँ सॉरी। तो इसका इसके लिए मैंने छोटी छोटी आटा ली है, एकदम छोटी सी छोटा कटोरी भी बना लिया है, और इसमें थोड़ी सी फिलिंग डाली हूँ क्योंकि पूरी को पतला ही बेलना है, तो एकदम थोड़ी सी फिलिंग दी हूँ इसमें। इसको मैं ऑयल से ग्रेस कर लूँगी, बेलूँगी। मैं और 2-3 बना लेती हूँ एक साथ में। अच्छे से इसको बंद कीजिएगा, नहीं तो पूरी बनाने के टाइम बाहर साइड से निकल आएगी और तेल पूरा ख़राब हो जाएगी। मेरे जैसे पूरी बनाइएगा तो हर एक पूरी जो है फूलेगी। तो चलिए मैं अभी पूरी बेल लेती हूँ। देखिए पूरी एकदम नई फट रही है। आप चाहे तो पराठा जो थी उसको भी आप ऑयल से बेल सकते हैं। तो देखिए मैं पूरी बना लेती हूँ। देखिए मेरी पूरी जो है फूलेगी, मैं आपको और 2-3 दिखा दूँगी। हर एक पूरी फूलेगी, हर एक पूरी, एक भी ऐसा नहीं जो नहीं फूलेगी। तो मेरी पूरी जो है बन के रेडी हो चुकी है, तो सर्व कर लेते हैं। मैं वही आलू के सब्जी के साथ ही इसको सर्व करूँगी। आप चाहे तो चना, छोला, काबली चना, मटर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने बढ़िया से बनी है, देख सकते हैं आप। देखिए बहुत यामी भी होती है क्योंकि कदीमा अपने से अंदर से थोड़ी सी मीठी होती है और उसका पूरी मतलब स्वादिष्ट है। ऐसे तो दाल पूरी सभी खाते हैं, इसको भी ट्राई कीजिए घर में। तो मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए। थैंक यू।